ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੀਪੀ 114 ਦੀ ਟਿਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਫਾਈ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਟਿਕਟ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਣਗੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਟਿਕਟ ਕੇ ਲਿਏ ਕਪਤਾਨ ਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀ ਕੀਮਤ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਕ ਮੇ ਜਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰੋ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀ ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਕਾ ਭਾਂਡਾ ਫੂਟ ਗਯਾ पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी और टिकट के ख्वाहिशमंद शख्स की गुफ्तगू की ऑडियो लीक। एजाज चौधरी ने कहा, टिकट लेना है तो आज कल में आ जाएं। मुलाकात के लिए रकम 1 करोड़ या इससे ज्यादा होनी चाहिए। शौकत खानम के लिए आप जो देना चाहो वो आपकी मर्जी है। पंजाब में 14 मई को इंतखाबात मुमकिन नहीं, इलेक्शन के लिए फंड्स भी नहीं मिले। 8 अक्टूबर से पहले इंतखाबात हुए तो मुल्क में अनार्की और अफरा तफरी फैलने का खदशा है। जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं, इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी, सिक्योरिटी फराहम न किए जाने के बारे में भी बता दिया। वजारत खजाना और स्टेट बैंक ने भी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। वजारत दिफा ने भी मुल्क में एक साथ इंतखाबात कराने की दरख्वास्त कर दी। सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र 5 अप्रैल का फैसला वापस लेने की इस्तदा। पंजाब में इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी की फराहमी, इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान की चीफ जस्टिस से चेंबर में मुलाकात, सिक्योरिटी सूरतहाल बारे आगाह किया गया। मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सेक्रेटरी दिफा भी शरीक थे। जजेस ने पार्लियामेंट को दी गई ब्रीफिंग से मुतालिक सवालात उठा दिए। कहा, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो हालात काफ़ी बेहतर हैं। अफसरान ने जवाब दिया, पार्लियामेंट की ब्रीफिंग वही थी जो अदालत को तहरीरी आगाह किया गया। मुखालफीन की रातों की नींद हराम है कि इत्तेहाद क्यों नहीं टूटा। पार्लियामेंट और अदालत में जो चल रहा है उस पर दुनिया हैरान है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कानून बनने से पहले ही अदालत ने हुक्म इम्तना दिया हो। ऐसे अनोखे फैसलों से अदल के निज़ाम को नुकसान पहुंचता है। वज़ीर आज़म का इत्तेहाद जमातों के इजलास से खिताब, कहा IMF मुआहदा आखिरी मराहल में है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार, बिलावल भुट्टो और आर्मी चीफ के किरदार की तारीफ। किसी से मशरूत मुज़ाकरात नहीं होंगे, हुकूमती इत्तेहाद का दो टोक ऐलान। कौम में नफरतें फैलाने वाले मुज़ाकरात में संजीदा नहीं, इमरान खान का रवैया हट धर्मी करार। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात किए जाएं या नहीं, हुकूमती जमातों में इत्तफाक़ राय से फैसला बाद में किया जाएगा। बातचीत के दरवाजे बंद करना गैर जमहूरी और गैर सियासी है, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़। शाह ज़ैन बुगती ने कहा, मुज़ाकरात के मुखालिफ नहीं, इमरान खान झूठा शख्स, भरोसे के लायक नहीं। सियासी तनाव कम करने के लिए जमात इस्लामी का मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से राबता। चौधरी शुजात हुसैन से नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की मुलाकात। मुल्क भर में इंतखाबात एक ही रोज़ कराने पर इत्तफाक, चौधरी शुजात ने कहा, मौजूदा हालात में तमाम सियासी जमातों को एक होकर मुल्क को कौम का सोचना होगा। एक शख्स दिन रात कहता था कि ये 20 अरब रुपये शहबाज शरीफ ने कहाँ लगाए, ये गर्क हो गए हैं। उनका नाम है साकिब निसार। अगर 20 अरब रुपए गर्क हो गए थे तो आप तो हफ्ते और इतवार को भी अपनी अदालतें लगाया करते थे, बेवा और यतीम को इंसाफ मुहैया करने के लिए नहीं, सिर्फ सियासी दुकान आपने चमका रखी थी। साकिब निसार सियासत चमकाने के लिए छुट्टी के रोज अदालत लगाता था। ये रोज कहता था, 20 अरब शहबाज शरीफ ने कहां लगाए, 20 अरब गर्क हो गए थे तो लाहौर का सबसे बड़ा कोरोना सेंटर कैसे बन गया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर फिर तनकीद। मजीद कहा, पीटीआई हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों को नजरअंदाज किया। नैब न्यासी गठजोड़ ने ईमानदार लोगों को जेल पहुंचाया। आजाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म कौन, फैसला न हो सका। नए वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन और फॉरवर्ड ब्लॉक के दरमियान फार्मूला तय पा गया। अपोजिशन अरकान की तादाद 30 तक पहुंच गई। 52 अरकान के ऐवान में वज़ीर-ए-आज़म के लिए 27 वोट दरकार हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब में ताखीर पर वकला ने मुजफ्फराबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी, फौरी इंतखाब कराने की इस्तदा। मुल्क के कई इलाकों में आज बादल बरसने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर, इस्लामाबाद समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिश होगी। मरी, गलियात और गिरदोनवाह में जालाबारी, मौसलाधार बारिश की भी तवक्को। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बलूचिस्तान और सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ईद की आमद आमद, बाजारों में गहमा गहमी। मौसम की मुनासबत से रेडीमेड मलबूसात की खरीदारी। बच्चे मनपसंद चीजें खरीदने के लिए बजिद। मैचिंग जूतों और खुशों की खरीदारी भी उरूज पर। ब्यूटी पार्लर्स पर ईद ऑफर्स लग गई। सेनेटर तलहा महमूद ने वफाकी वजीर मजहबी उमूर का चार्ज संभाल लिया। दफ्तर पहुंचने पर वजारत के अफसरान ने इस्तकबाल किया। सेनेटर तलहा महमूद ने कहा, मरहूम मुफ्ती अब्दुल शकूर के मिशन को जारी रखेंगे। वक्त कम है, कोशिश है आवाम को हज की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएं। निगरान वजीर बराए हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट का लाहौर में सीबीडी पंजाब और रूडा का दौरा। बैरिस्टर सैफ असफर अली नासिर को मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग। कलमा चौक रीमॉडलिंग, वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन के बारे में भी बताया गया। निगरान सूबाई वजीर हाउसिंग ने कहा, सीबीडी के मंसूबे जिद्दत के हामिल हैं। सीबीडी पंजाब और रूडा सूबे की तरक्की में नहायत अहम है। सीबीडी पंजाब लाहौर और रूडा सूबा पंजाब की तरक्की का मंजरनामा तब्दील कर देगा। मारूफ मॉडल अदाकार सईदा इम्तियाज के इंतकाल की खबर झूठ निकली। सईदा इम्तियाज के सोशल मीडिया पे पेजेस हैक किए गए। अदाकारा ने वीडियो बयान भी जारी कर दिया। कहा, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट किसी ने हैक करके झूठी खबर फैलाई थी। पार्लियामेंट हाउस में एक बार फिर जंगली जानवर घुस आया। जंगली जानवर ने कल भी कई दफातर में तोड़फोड़ की थी। पार्लियामेंट हाउस में घुसने वाला जानवर जंगली बिल्ली है। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक इस जानवर को सिविट कैट कहते हैं। सिविट कैट मांगला हिल से पार्लियामेंट हाउस में घुसी।